गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वांट टू टीच यू नंबर्स इन मैथमेटिक्स। क्लास CLASS क्लास टू CLASS क्लास क्लास इन वन टू SUBJECT सब्जेक्ट 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 मीन्स विषय MATHEMATICS मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स गणित मैथमेटिक्स है। नंबर क्या पढ़ना है? नंबर्स 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 संख्या नंबर्स नंबर्स में वर्ड प्रॉब्लम आज पढ़ेंगे। वर्ड प्रॉब्लम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन देखेंगे। PURU पुरु इज सिक्स इयर्स ओल्ड पुरु छह साल की है। पुरु कितने साल की है? छह साल की है। सिक्स इयर ओल्ड हिज फादर His father is 37 years old. Puru 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 ISE 6 years. Puru is 6 years old. Puru 6 साल की है. His father is 37 years old. His father यानी उनके पिता 37 years old. 37 years के हैं। 37 years के कौन है? उनके पिताजी हैं। पुरु के पिताजी कितने इयर्स के हैं? 37 इयर्स के हैं। How much older is his father? FATHER Puru is 6 years old. PURU Puru IS is 6 YEARS years old. Puru is 6 years old. Puru 6 वर्ष की है. His father is 37 years old. और उनके पिताजी की उम्र 37 वर्ष है। हाउ मच ओल्डर इज हिज फादर? उनके पिता हाउ मच इज ओल्डर इज हिज फादर? तो उनके पिता कितने वर्ष बड़े हैं? या उनके पुरु जो है पुरु के उम्र और उनके पिता के उम्र में कितना अंतर है? डिफरेंस पूछा जा रहा है, पता लग रहा है। पिता की आयु फादर की आयु 37 इयर्स दिया हुआ है। कितना है स्टूडेंट्स? 37 इयर्स और पुरु की उम्र कितना है स्टूडेंट्स? 6 इयर्स। तो दोनों उम्र में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, तो वो डिफरेंस कैसे पता चलेगा? सब ट्रैक करेंगे। क्या करेंगे?
सबट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे। देखेंगे यहां कुछ वर्ड लिख लेंगे, फादर एफ ए टी एच ई आर, फादर मतलब पिताजी या फादर में पिताजी। आगे देख लेंगे ईयर वाई ई ए आर, ईयर ईयर मीन्स तो वर्ष होता है, लिख लेंगे ईयर ओल्ड मतलब उम्र की बात है, और हाउ मच हाउ मच मीन्स कितना। तो देखेंगे इसमें सोल्यूशन एस ओ एल यू टी आई ओ एन, सोल्यूशन सोल्यूशन मीन सॉल्व, एस ओ एल यू टी आई ओ एन सोल्यूशन, सोल्यूशन मीन हाथ, फादर मीन्स पिताजी, यस मीन्स वर्ष होता है, यस और हाउ मच मीन्स कितना और सोल्यूशन मीन्स हल। चलिए याद कर लेंगे एस ओ एल यू टी आई ओ एन सोल्यूशन, सोल्यूशन मीन्स हल, एच ओ डब्ल्यू हाउ एम यू सी एच हाउ मच मीन्स कितना, वाई ई ए आर ईयर 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 मीन्स वर्ष, एफ ए टी एच ई आर फादर, एफ ए टी एच ई आर फादर, फादर मीन्स पिताजी। क्या करेंगे स्टूडेंट, डिफरेंस करेंगे, फादर फादर की उम्र दिया हुआ है आपको एफ ए टी एच ई आर, फादर का कितना दिया हुआ है 37 इयर्स, और ये उम्र दिया हुआ है एज, और पुरु का कितना दिया हुआ पी यू आर यू, पुरु का कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स 6 इयर्स। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट करें, पुरु 6 वर्ष की है और उसके पिताजी कितने साल के हैं 37 इयर्स, 37 साल के हैं, तो पूछा जा रहा कि इन दोनों के उम्र में कितना अंतर है, डिफरेंस है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, वेरी गुड, ध्यान देंगे, वंस में 7 लिखेंगे, वंस में 7 लिखेंगे और टेंस में 3 लिखेंगे। चलिए ठीक, अब यहां 6 याद दिए हुए है तो 0 लिख देंगे टेंस में और वंस में 6 ईयर्स है। तो चलिए नेक्स्ट अब सब्ट्रैक्ट का साइन दे देंगे, सब्ट्रैक्ट का साइन दे देंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे स्टूडेंट 7, सब्ट्रैक्ट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 सेवन है, सेवन ऐसा 6 सब्ट्रैक्ट करना है ना, सेवन बोल सो रहा दिख रहा 1 2 3 4 5 6 7 सेवन ऐसा 6 सब्ट्रैक्ट करना है तो 6 बोल को क्या करेंगे मिटा देंगे 1 2 3 4 5 6 तो कितने यहां से यहां तक मिटा देंगे या कट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 6 सब्ट्रैक्ट करना है तो कट कर दिए कितना बोल बचा 1 अब इसको हम मिटा देंगे
कितना गोल बचा आपको? वन, यहाँ राइट कर देंगे वन। थ्री में से जीरो सब्ट्रैक्ट करना है तो थ्री केवल उतार देंगे थ्री। कितना आ गया? 31, 31 यार्ड्स आंसर। यही आपका आंसर हो गया, यही आपको क्या हो गया? आंसर। चलिए क्लियर सभी स्टूडेंट, समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। के ए आर आई एम करीम मेड, करीम मेड, करीम मेड 30, करीम मेड 30 पेपर बोट्स, करीम मेड 30 पेपर बोट्स। के ए आर आई एम करीम एम ए डी मेड, एम ए डी मेड 30 पी ए पी ई आर पेपर बी ओ ए टी एस बोट्स। करीम मेड 30 पेपर बोट्स, करीम 30 गो कागज का नाव तैयार करता है। 10 10 बोट्स सैंग, 10 बोट्स सैंग, 10 बोट्स सैंग, यानी 10 नाव पानी में क्या हो गया? डूब गए। किसमें डूब गया? पानी में डूब गया। हाउ मेनी एच ओ डब्ल्यू हाउ एम एन वाई हाउ मेनी वे आर, हाउ मेनी वे आर लेफ्ट, हाउ मेनी वे आर लेफ्ट। 10 बोट्स कहां डूब गए? तो पानी में डूब गए। 10 बोट्स पानी में डूब गए यानी पानी में नाव बना के और चला रहे थे। तो स्टूडेंट देखे कि 30 बोट्स बनाए, उसमें 10 बोट्स पानी में डूब गए फिंके, तो कितना बचे? तो आप क्या करेंगे? इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ध्यान देंगे, एस ओ एल यू टी आई ओ एन सॉल्यूशन। ध्यान देंगे यहां 30 पेपर बोट्स है तो पानी है और इस पानी में स्टूडेंट कितने बोट तैयार किए? 30। कितने बोट तैयार किए हैं? 30 बोट्स, 30 बोट्स तैयार किए। तो 30 बोट्स में, 30 बोट्स में, 30 बोट्स में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो बाकी कहाँ रहेंगे? पानी में ये डूब गए, पानी में डूब गए, तो और अभी उतना तो नहीं
बन पाएगा। तो बाकी वर्ड्स पानी के कहां रहेंगे? ऊपर रहेंगे। कहां रहेंगे? ऊपर। बाकी वर्ड्स कितने वर्ड्स हैं ये, इसके लिए क्या करना होगा? सबट्रैक्ट करना होगा। क्या करना होगा? सबट्रैक्ट करना होगा। तो करीम कितने वर्ड्स बनाए थे? 30। ये आपको बनाए देखने के लिए कि 30 में ऊपर वर्ड्स रहेंगे, 10 वर्ड्स, 10 नाउन जो है जल के अंदर चलेंगे। कागज का है ये, पेपर का है, पेपर वर्ड्स है। तो यहां ध्यान देंगे, टेम्स वंस, वंस टेम्स, वंस टेम्स, वंस टेम्स। तो यहां वंस में 0 और टेम्स में 3 लिखेंगे, 30 है। तो फिर आगे है 10 वर्ड, तो 1 0 1 1 टेंस प्लेस पर और वंस प्लेस पर, पहले वंस तब टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वंस, सेकंड टेंस, तो वंस टेंस। तो 30 या सबट्रैक्ट कर देंगे, 30 वर्ड्स टोटल बनाए थे करीम, कितना बनाए थे? 30 वर्ड्स, 30 वर्ड्स बनाए थे। और 30 में से क्या करेंगे आप? सबट्रैक्ट कर देंगे। जो हार्ड वर्ड रहेगा जैसे वोट मीन्स, तो नाउ BOAT, वोट, वोट मीन्स नाउ, SANK, सैंक मतलब डूबा हो जाएगा, डूब गया, पास्ट रूप है सिंक का। मेड मीन्स बनाना, मेड मीन्स बनाया हो जाएगा, मेक मीन्स बनाना होता है, मेक का पास्ट रूप मेड है। हाउ मेनी मतलब कितने, लेफ्ट मीन्स बचे, LEFT, लेफ्ट मतलब शेष या बचना, शेष है, शेष लिख लीजिए, शेष कितने नाव बचे, वही शेष मीन्स बचना ही होता है। चल देखेंगे, पेपर मीन्स कागज, पेपर मीन्स कागज, PAPER, पेपर, पेपर मीन्स कागज। चलिए ठीक है, पेपर, PAPER, पेपर, पेपर मीन्स कागज, LEFT, लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स शेष, MADE, मेड, मेड मीन्स बनाया, SANK, सैंक मीन्स डूब गया, VOAT, वोट, वोट मीन्स नाउ। ध्यान रखिए, वन से जीरो है वंस प्लेस पर, वंस प्लेस पर जीरो और जीरो है, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? वेरी गुड, जीरो, क्या लिखेंगे? जीरो, जीरो में से जीरो सबट्रैक्ट किए क्या हुआ स्टूडेंट्स? जीरो। थ्री है ऊपर, नीचे वन है, तो थ्री है, तो थ्री हम बॉल बना दिया, 1 2 3 और वन बॉल इसी में से क्या कर देंगे? 3 बॉल बनाए और वन इसी में से कट कर देंगे, तो कितना होगा स्टूडेंट्स? 1 और 1 2 2। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नेक्स्ट आगे देखें, ध्यान देंगे, ओम वाट, ग्रीन कार, होमवर्क मीन्स ग्रीन कार, होमवर्क मीन्स ग्रीन कार, HOME, होम, WORK, होमवर्क, होमवर्क, होमवर्क मीन्स ग्रीन कार, होमवर्क मीन्स ग्रीन कार। THEARE, there, THEARE, there,
A R E R 39 39 39 C H I L D R E N There are 39 children in a class. In a class. T-H-E-R-E. There A-R-E-R 39 C-H-I-L-D-R-E-N children I-N in a C-L-A-S-S class. There are 39 children in a class. एक वर्ग में 39 children है, एक वर्ग में 39 बच्चे हैं, एक वर्ग में कितने बच्चे हैं? 39 35 of them 35 of them are going for a picnic. For a picnic. Picnic. There are 39 children in a class. एक वर्ग में 39 बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, तो 35 ऑफ देम आर गोइंग फॉर ए पिकनिक. पिकनिक मीन्स वनभोज. पिकनिक पर 35 चिल्ड्रन चले गए. पिकनिक पर 35 चिल्ड्रन चले गए. हाउ मेनी चिल्ड्रन आर How many children are not going? 39 children है, जिसमें 35 children picnic पर चले गए हैं. Picnic means वनभोज होता है, वनभोज पर चले गए. तो how many children are not going? तो कितने बच्चे वनभोज पर नहीं गए. P-I-C-N-I-C picnic किस होता है? वन भोज. हाउ मेनी मीन्स कितने, गो मैंने जाना, कोई दिक्कत नहीं. चिल्ड्रन इस बच्चे, क्लास इस फॉर्म, जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्या करना है स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट करना है. 39 चिल्ड्रन है और 35 को मान लीजिए क्लास से बाहर हो गए, तो कितने बचेंगे स्टूडेंट, समझ गए क्या करना है? सब ट्रैक करना है. तो 39 चिल्ड्रन में 35 पिकनिक पर चले गए हैं, तो क्या वो चले गए तो कहीं दूर चले गए हैं पिकनिक पर, तो 35 चले गए तो कितने बचेंगे, आप क्या करेंगे, पता चल गया, सब्ट्रैक्ट. वेरी गुड, सब्ट्रैक्ट करेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. जाया हैज 57 जाया हैज 57 टिकट्स माया हैज 22 टिकट्स माया है 22 टिकट्स 22 टिकट्स हाउ मेनी मोर टिकट्स हाउ मेनी मोर टिकट्स डज जाया है
जाया हैज 57 टिकट्स, जाया के पास 57 टिकट हैं, 57 टिकट्स हैं। माया हैज 22 टिकट्स, माया है 22 टिकट्स और माया के पास 22 ही टिकट बस हैं। कितने हैं? 22 टिकट। तो हाउ मेनी मोर टिकट्स डज जाया है? तो जाया के पास कितने अधिक टिकट हैं? तो अधिक, मोर और लेस, मोर और लेस जहां कंपैरिजन किया जाएगा, मोर और लेस जहां कंपैरिजन किया जाएगा वहां क्या करेंगे, क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सबट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। जहां मोर देन लेस देन, इसमें जो कंपैरिजन करे, तुलना करे, तो वहां हम सबट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं। यहां क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। तो बस दो ही क्वेश्चन बना के आएंगे, ये टोटल होमवर्क में यही टोटल रहेंगे। समझ में आ गए हैं? दो क्वेश्चन बना के कर पक्का आएंगे। ओके, थैंक यू।